जबे बाण लाग्यो तबे रोस जाग्यो, गुरु महाराज ने भी कहा। ये बाण मोदी सरकार ने सीधा साडी हिक ते मारिया, साडे ढिड दे अंदर तक मारिया, साडी अणख ते गल आ गई, साडी होंद ते गल आ गई। तो उदों लाजमी है संघर्ष करना साडा फर्ज है, क्योंकि असी उस गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र हैं। ये पत्रकारां दे विच वी एक सच ते झूठ की लड़ाई चल रही आ। एक पासे सरकारी पत्रकार आ, एक पासे इदां दे पत्रकार आ जिन्हां ने पत्रकारी नूं बचाया विया, ते सरकार दीआं चीकां वज्जीआं पईआं जी, बोलण चाहे ना बोलण। सत श्री अकाल दोस्तों, प्रोग्राम की हाल है मेरे शहर दा, अज तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। अज 24 दसंबर शाम दी कहला रात दे कहला 8:25 ते बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर ते खंभा नंबर 783 उहदे हेठां बैठे हैं, उहदे कोल बैठे हैं। मेरे नाल मेरा वीर रॉबिन बराड, नौजवान आगू है, मतलब गर्म खून, जवानी, अगां वधन की सोच, कुछ कर गुजरन की सोच नाल साथी बैठे हैं। इन्हां दी एक फोटो बड़ी वायरल हुई सी, प्लेट दे विच काजू बदाम ये वो सारा कुछ, भी हुण तां असीं इत्थे ही डेरे लावांगे। पहला तां रॉबिन तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत तुहाडा भी। अच्छा, पहली गल तां भी मैं आके देखा तुसीं बड़ा वधिया इत्थे सिस्टम लाया होया, टेंट भी लाए ने, खाण पीण दा सारा समान है। पहली गल तां इह भी किन्ने दिनां तों ते किन्ने लोग इत्थे ने तुहाडे नाल? स्टार्टिंग तो इत्थे हैं जी, शुरू तो जिदन तो 26 तरीक तो शुरू होया। ओके, दो ट्रालियां साडे नाल जी, तो तकरीबन असीं इत्थे चत्तो पैर रात नूं 40-45 जने हुंदे आ। ओके, कोई विचों चले जांदे आ, कोई आ जांदे आ, इदां सिलसिला चली जांदा। अज मेरे ख्याल च संघर्ष नूं 26-27 दिन चल। अच्छा, की हुंदा कि जदों तुहाडे वर्गे नौजवान आंदे ने इहो जी जगह ते आंदे ने, जिहड़े सोचदे ने भी हाँ यार असीं साडे लई, साडे बच्चों के लिए, साडे बजुर्गों के लिए, साडी कौम के लिए कुछ करना है, तो फिर इस माहौल नूं तुसीं लोग टैकल किदां करदे हो? गल संघर्ष पहलां भी देश च बहुत होए आ, विदेशां दी धरती ते भी संघर्ष होए होणगे, पर जो इह संघर्ष आ जदों किसे दे आपां ढिड ते लत्त मारदे आ ना जी, जबे बाण लाग्यो तबे रोस जाग्यो, गुरु महाराज ने भी कहा। ये बाण मोदी सरकार ने सीधा साडी हिक ते मारिया, साडे ढिड दे अंदर तक मारिया, साडे ढिड लग्या। जे बंदे इंसान दे ढिड ना होवे तां उहनूं किसे चीज़ की लोड़ नहीं, तो रोटी हर इंसान ने खानी आ, ते साडे रोटी की लड़ाई है। मोदी चाहुंदा कि साडी जिहड़ी रोटी है, साडी प्लेट की थाली अडानियां ते अंबानियां दे घरे चली जावे, ते असीं उहनां कन्नी कटोरा करके उहनां तों कणक लै के रोटी खाईए। असीं कहिंदे आ असीं आपदे हत्थां नाल फसल बीज के उहनूं वढ के उहदी रोटी खाईए। इह लड़ाई इस विचारधारा दी आ, ते जदों साडी अणख ते गल आ गई, साडी होंद ते गल आ गई, तां उदों लाजमी है संघर्ष करना साडा फर्ज है, क्योंकि असीं उस गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र हैं जिन्हें सानूं इह गल कह के गए सी कि जुल्म करना भी पाप आ ते जुल्म सहना भी पाप आ। ते अज इह तानाशाही सरकार ने साडे ते जुल्म कीता, कल्ले किसान ते जुल्म नहीं कीता, इह किसान दे नाल मजदूर ते वपारी ते अज ये जिहड़े कानून है ये किसान विरोधी नहीं, ये इंसान विरोधी कानून हो चुके आ। सो इस करके ये रोह दे विच आउणा, बार्डर भन्नणे, हरियाणा दे सीएम दे चैलेंज नूं कबूल करना, हिंदुस्तान दीआं एजेंसियां नूं तहस नहस करके, आई बी रॉ इंटैलीजेंसियां नूं फेल करके इत्थे आउणा, ये असीं दिखाया कि असीं उस धरती दे वारस हैं जिस धरती ने दर्राए खैबर दे ताड़वियां नूं रोकिया, अंग्रेज़ों नूं इत्थों वापस भेजा, चाहे सानू चरखड़ियां ते चढ़ना पिया सी, चाहे सानू गली गले च फांसियां दे फंदे पाउणे पए, चाहे काले पानी दी सज़ा झलणे पए, असीं गुरुआं पीरां पैगंबरां योधियां जरनैलां दी धरती तों आए हां। असीं हमेशा हक्कां लई खड़े भी हैं, हक्कां लई लड़े भी हाँ, ते हक्कां लई मरे भी हाँ, ते तुहाडे सामणे अज सबूत आ किवें दिल्ली नूं असीं घेरा पाया विया, ते असीं इत्थे पर शांतमई तरीके नाल पाया विया। उत्थों असीं आए सी जदों सानूं इह कहा जाऊगा कि असीं इह काम नहीं होण देणा, तां असीं आपदा जोश भी विखाता, ते अज असीं आपदा होश भी विखाई जांदे आ, सबर भी विखाई जांदे आ, ते इत्थे असीं बैठे हां शांतमई तरीके नाल। बिल्कुल, जिस तरह इन्हां ने गल कीती सबर दिखा रहे हां। देखो की हुंदा, कोई स्प्रिंग हुंदा ना, उहनूं तुसीं दबदे रहो दबदे रहो,
ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲਿਮਿਟ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਇੰਨਾ ਉੱਚਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਗਏ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਬ ਲਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਛਲਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਛਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੋਬਿਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਹੈ ਉਹੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਚੈਨਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਡੰਬਰ ਇੱਕ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਪੱਖੀ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹਾਈਜੈਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਈਜੈਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੂ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਠਰਦੇ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਵੀ ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਜੂਰ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਰ ਠਰ ਕਰਦਾ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਠੰਡਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੇਖੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਵਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖੇ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚੰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਈ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਚਲੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ, ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ? ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਾਈ ਜੀ? ਗੱਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਦਾ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਣਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦੇ 5-7-10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਮਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜੂਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼
हज़ारां की गिनती दे विच लखां की गिनती दे विच हर सूबे विच नौजवान खड़ा हो रहा, किसान खड़ा हो रहा, व्यापारी खड़ा हो रहा, तो सरकार दीयां चीकां वज्जियां पईयां जी, बोलण चाहे ना बोलण। अज वो टाइम आ गया कि इन्हां दी पार्टी दे अंदर बगावत हो जाणी है जे होर लंबा समा अंदोलन चल गया। बिल्कुल, जिस तरह इन्होंने पहला भी एक गल की सी भी ये जिहड़ा तीर है साडे पेट दे विच वजे आ, तां जे आपां एक आपां इस गल ते भी चलो चर्चा कर लैंदे आ भी मन लो असी इस किसानी नूं किसानां नूं इस सारे तों एक मनफी कर दिंदे आ, मनफी कर दिता गया, ये नहीं रहिंदे किसानां दी किसानी नहीं रहिंदी, ये पैदावार वो अपने तरीके नाल जे करनगे तां फिर एक मशीनी युग है जिहड़ा उही गल आ, क्योंकि जिस तरह इन्होंने गल की भी यार असी उन्हां तों लै के खावांगे, फिर हुण किसान है जिहड़ा आप मिट्टी नाल मिट्टी हो के वो सानू रोटी खवा रहा, तो फिर जो साडा ढिड असी अपने शरीर चो ही ढिड नू पासे रख दिए तो की रह गया। भाई जी तुसी एक मेरी गल सुनो, पानी है फ्री है, पूंजीवादियों ने इनू 20 रुपए की बोतल च बंद करके वेचन लाता, देखो तो जिहड़ा अनाज है जिन्हों इन्हां दे हत्थां च आ गया पैकेटां च किवें वेचणगे, तो अपना आपां की करांगे जदों इन्होंने स्टोर कर लिया कणकां पैकेटां दे विच, इन्हां दे मालां दे विच कणक आ गई, हुण तां आपां कणक बीजी कणक वढ़ी तो कणक आपां भी खाधी अपने मजदूर ने भी खाधी तो चक्कियां जाके तो ये हौली हौली जदों इन्हां दे कोले सारा दरंदर आ गया तो अपने नाल की करनगे, ये चीज़ां नूं समझण की लोड़ आ। काले कानून बिल्लां ने तां ही मैं थोड़ू वारी वारी कह रहा भी यह कल्ला कोई किसानां दा अंदोलन नहीं, ये हर खिते नाल संबंध आ ते हर बंदे नूं इह समझ आ रही आ, तां ही देश दे वख-वख कोनियां दे विच इहदे विरुद्ध आवाज़ उठ रही आ। तो इस करके जे पंजाब दा अंदोलन हुंदा तां अज हरियाणा क्यों इत्थे आउंदा, राजस्थान दे लोक क्यों दे, इन्हां दी भाईवाली पार्टी राजस्थान दे विच NDA सहयोगी हनुमान बैनीवाल जो इन्हां दे MP भी आ, 26 तरीक नूं उन्होंने कहा कि 2 लाख किसान लैके असी जवान लैके दिल्ली नूं कूच करांगे, तो वह भी किसान ही है जी सारे। बिल्कुल, देखो गल हैगी जमीरां दी, जिन्हां दे तां जमीर जंदा ने वो लोग ये नहीं देख रहे मैं किहड़ी पार्टी तो हाँ, मैं किहड़े तबके तो हाँ, मैं किस चीज़ तो हाँ, वो सिर्फ इन्ना जानते ने भी वाकई जिस तरह रॉबिन होरां ने गल की कि एक कल्ला किसानां दा मुद्दा नहीं, मैं मेरे भी हर वीडियो तुसीं सुनते हो कि यह साडा सारिआं दा, हाँ ये सानू एप्रीशिएट करना चाहिए किसानों भी जिहड़े अगे लगे ने वो अगे लगे ने, तो करके आप कई बार कह दें ना भी जिवें भी ठीक है यार उन्हें किया, मीनस ये है भी किसान साढ़े लिए कल्ला किसान अपनी जमीन लिए नहीं, मेरे भीर जमीरां दी जिहड़ी गल करिए ते असी उधरले पासे नूं आपां तुरीए भी हाँ ठीक है जिन्हां दे जमीर जिंदा ने वो लोग सारे रल के बैठे ने। अच्छा तुसी देख रहे हो तुसी जिस तरह दसे 40-45 मुंडे तुहाडे नाल ने, तां की तुहाडी की पॉलिसी की हुंदी है इत्थे जदों तुसी बैठदे हो? असीं जिद्दन बाई जी पहले दिन इत्थे आए ना तां मैं एक चीज़ नूं महसूस किया भी साडे सारिआं दे ट्रैक्टर ट्रॉलियां ते कोई स्लोगन नहीं लगे, तां असीं हर रोज़ 500 चार्ट खरीदन लग पे, उहदे ते स्लोगन लिखण लग पे, असीं हौली हौली बड़े स्लोगन लिखे, साडा मेन पर फोकस जिहड़े स्लोगन ते सी ओह सी असीं किसान अत्तवादी नहीं, तिन्ने भाषा हिंदी अंग्रेजी पंजाबी दे विच लिखिया तां कि इत्थे हिंदी दी मीडिया ने भी आना, हिंदी दे जिहड़े हिंदी भाषा नूं समझदे आ उहनां लोकां ने भी आना, दिल्ली दे वसनीकां ने भी देखण आना भी कौण आए आ किवें आए आ। तां असीं कोशिश कीती भी हर ट्रॉली ते इक इक स्लोगन लाया जावे जी ते खास तौर ते लिखिया जावे कि असीं किसान आ अत्तवादी नहीं, तां होर तरहां दे स्लोगन हुण धुंद पैण करके त्रेल पैण करके उह स्लोगन लैण लग पे, तां असीं इहनां नूं प्रिंट दे जरिए लाउण लग पे ते हुण असीं मतलब वह भी बनाने पर असी कोशिश करते हैं कि प्रिंट ज़्यादा तो ज़्यादा कढ़ा के लोगों नूं, पर हुण देख देख के जितने असी शुरुआत की हुण तुसी देखोगे 14-15 किलोमीटर 15.5 किलोमीटर का एक लंबा जाम हुण हो गया, तो ये हुण हर किलोमीटर से कोई ना कोई नौजवान चार्ट बना रहा, वो एक जाग लग गई, हरेक बंदा आपदी आप बनाउण लग पिया। तो दूजा असी उपराला यह किया सानू ये मैं यूनिवर्सिटी पढ़िया कॉलेजों च पढ़िया मैनू पता सी भी बड़े नौजवान इदा के होंगे ट्रैक्टर ट्राली तो चलो हर पिंड दे विचों इत्थे आया, हर पिंड दी एक मतलब इत्थे एक पिंड खड़ा आ साडे सामने ये भी एक पिंड आ, हर ट्राली एक पिंड नूं दर्शाउंदी है, पर कुछ लोग दोस्त सज्जन इदा के भी होंगे जिहड़े बैठे प्रोग्राम बनाउंदे आ कार चक्की चार जणे ने चल यार दिल्ली, तो उन्होंने कोई रहन च प्रॉब्लम ना आए, तो असी इत्थे आउण सर कुछ टेंट खरीदे 15-16 टेंट लाते 4-5 होर ट्रॉली च रखे जिवें जदों थां नहीं हुंदी, तो असी अपील करती भी तुसी आ जाओ यार। हाँ
ताकि थोनू असी सांभांगे, रहण दा प्रबंध असी देवांगे, खाण पीन दा प्रबंध ये देवांगे, पर कोई यह ना रह जाए भी घरां च बैठा ना रह जाओ, तुसीं एक करी आ जाओ, जे सानू लोड़ पई असी होर तंबू भी ला देंगे। जदों असी यह उपराला किया तां सानू वेख के चार पांच ट्रालियां सद के उन्होंने वड्डा टेंट लाता, खालसा एड ने बड़ा वड्डा उपराला करता, एस जी पी सी ने उपराला करता, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उपराला करता, बड़ू साहब उन्होंने टेंट लिया, मतलब हौली हौली हुण तां तकरीबन मतलब इन्ने क रहण बसेरे हो गए भी तुसी, मैं कहना यार जिहड़े कपड़े पाए है ना वो पा के बठिंडे वाली गड्डी चढ़ जाओ तो बिना टिकट ले तो इत्थे आ जाओगे। खाण पीन का इत्थे प्रबंध आ, इनर तो लैके जराब तो लैके बूट तो लैके लोअर तो लैके टीशर्ट तो लैके हर कुछ इत्थे अवेलेबल आ, थोनू इतों कोई ना कोई उही आजूगा जिहड़ी मर्जी जी लैके दो रातां ला के तीन रातां ला के तुसीं बिना टिकट कटाए फिर दिल्ली जा सकते हो। सो ये बहुत वड्डी गल आ, ते अपील भी करदा भी वेखियो कि घरां च बैठे रह जाओ, ये अपनी होंद की लड़ाई आ, हर घर चों एक जी नूं इस अंदोलन में जरूर आना चाहिए। तो मैं अगे भी कई बार कहना हूं कि जिहो जिहा दरबार साहब मत्था टेक आंदा ओहो जिहा किसानी संघर्ष के आके दो चार रातां ला गईआं, मैं एक गल समझदा क्योंकि किसानी भी साडा एक धर्म है। बिल्कुल, अच्छा एक धर्म की जो तुसीं गल कीती हुण इह एडा वड्डा तुसीं दस्सिआ इधरले पासे 15-15.5 किलोमीटर का एक काफला बन गया, हर बंदा पूरा इस सोच नाल जा रहा है भी यार असी ये जंग जीत के आनी है, मैं लगता काफ़ी हद तक असी कह लिए भी 99.9% जीत चुके हैं, पर कई बार की होंगे जो यह जी एक कह लिए भी इन्ना इकट्ठ हो जाए, इन्ना प्यार मुहब्बत हो जाए, तो फिर जिस तरह तुसी स्टार्ट दे विच गल की थी तार पीड़ो करन दे लई, तुहानू लगता भी कुछ इत्थां दे कोई इदां दे हथकंडे इत्थे बनाए जा रहे? नहीं, हथकंडे बहुत बनाउंदे आ जी, असी वैसे भी मैं अपील भी कीती सी, मैं क्या आपां नूं थोड़ा जिहा सचेत भी रहना चाहिए, जे ट्रालियां दे विच आपां 10-10 बंदे आ तां रात नूं एक बंदे नूं पहरा भी लाउणा चाहिए, जदों आपां नूं कोई समान दे के जांदा यकदम ना फड़ो, फड़ के उहदी तसल्ली जरूर करो भी यार देख लो लिफाफे दे विच की चीज़ आ की नहीं चीज़, क्योंकि कुछ नहीं पता सरकारां दा, सरकारां आपदे बंदिआं तों की कुछ करवा सकदियां, एजेंसियां तों कुछ करवा सकदियां, इदां दा माहौल बणा के मुड़ के इन्हां ने इस अंदोलन नूं गलत पासे लै के जाणा, आह वेखो जी इत्थे तां आ चीज़ होगी आ चीज़ होगी, सो ये कुछ भी कर सकते हैं, सानू चत्तो पैर संके सुचेत रहन दी लोड़ा, आपदे अख कन्न नक खुले रखने आ, एक एक चीज़ वॉच करनी आ कि साडे विच कोई घुसपैठिया तो नहीं रल रहा। दूजी गल थोनू दसदा जी, हुण अंदोलन लोक अंदोलन बन गया, हुण ये अंदोलन हर एक इंसान का अंदोलन बन गया, थोड़ा भी अंदोलन आ, जिन्ना मेरा ये हक आ उन्ना ही थोड़ा, उन्ना ही इस भरा का, इस मतलब जिहड़ी ये आपां तां फिर भी इंसान आ, वो जिहड़ियां चीज़ां बोलदियां नहीं ये हुण अंदोलन उन्हां दा भी बन गया, तो ये हुण मतलब तार पीड़ो नहीं हो सकता, हुण तां जिहड़ा बंदा इहदे विच कोई इदां दी हरकत करन दी कोशिश करूगा ना तो मैं कहना भाई जी उहदे जुत्तियां पिया कर, मरे तो बाद भी जुत्तियां पिया करनगियां। देखो जाते जाते बहुत वधिया इन्होंने एक गल की भी मरे तो भी जुत्तियां पैनगियां, पर आप एक छोटी जी मैं तो गल करा भी जदों कहिंदे हुंदे ने भी जिहदी जमीन होवे उहदा मालक जदों उहनूं वाहुंदा ना तां एक मुहब्बत हुंदी है दोनों जणिआं दे विच, ते जदों कोई बगाना वाहुंदा वो मुहब्बत नहीं जागती, तो असी यह मुहब्बत मरन नहीं देनी, असी नहीं यह चाहते भी साड़ी जमीन कोई होर वाहे तो उहदे तों पैदावार लवे तो अपनी मन मर्जी के मुताबिक उहनूं वेचे। रॉबिन होरां नाल आपां गल्लां बातां कीतियां, चंगा लग्या, इन्हां नौजवानों की सोच है जिहड़ी बड़ी पॉजिटिव सोच है, तो वाहिगुरू करे कि इन्हां दी पॉजिटिव सोच नूं चार चंद लगन, तो नवां साल है जिहड़ा ये आपां कहीए कि खुशियां भरिया होवे, तो सारे जणे फिर इत्थे मैनूं लगदा वी फिर पटाके चलन, खुशियां मनाइए, इस आस के नाल मैनू शमिंदर सिंह विक्की नूं दिओ इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।